और भाई फाइनली माशाल्लाह से एक और जो है वो फैंसी चूजा जो है वो हैच हो गया है। ओए होए माशाल्लाह इतना सॉफ्ट है, माशाल्लाह बहुत ब्यूटी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ भाई अपने नए घर में। अच्छा भाई इसको मैंने अपडेट कर लिया अपने ब्रूडर को, आ रहा चेंजेस करिए मैंने इसमें, आप बताए। अच्छा भाई दोस्तों अभी मैं कैंडलिंग कर रहा हूँ, ये अंडा जो है वो 7 तारीख का है और आज जो है उसको 21 दिन पूरे हो गए। काफ़ी देर बाद पानी इनको ऑफर कर रहा हूँ कि ये पानी की तरफ आते हैं या नहीं। आओ, कल मैंने आप दोस्तों से पूछा था कि इसको इंक्यूबेटर में रखना चाहिए या इसको फ्राई करके खा लो, तो मोस्टली बल्कि मैक्सिमम सभी ने जो है वो ये कहा है। खा पी के माशाल्लाह से आप देखें भाई चूज़ा कैसे सो रहा है। और एक और मैंने फैंसी लिया है ये वाला एंट्रेंस के लिए, तो ये जो है मुझे इन्होंने दिया है और इनको जो है आई थिंक आज 23 डेज हो गए होंगे। अब इनको क्या करना चाहिए कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा क्या इनको अभी मैं मजीद। तो भाई आपको दिखाया सारे फैंसी चूजे भाई माशाल्लाह अपने नए घर में आ गए हैं ब्रूडर में। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अब जो है वो माशाल्लाह से गला जो है काफ़ी बेहतर हो गया है, कम्प्लीटली जो है वो बिल्कुल पहले जैसी आवाज़ नहीं हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गला बेटर हो गया है। अच्छा कल की जो वीडियो है भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो आप दोस्तों से माजरत। असल में हुआ ये कल मैं हमारी भाई के फार्म पर चला गया था, कोई प्री प्लान नहीं था, बस जाने की शौक हुआ तो मुझे ही बोला आज भी के चलते। तो वैसे खाने का प्रोग्राम था बाहर, बट मैंने सोचा यार चलो फार्म पे चलते हैं और मानी भाई का फार्म तो भाई इस हवाले से बेस्ट है। तो मानी भाई के फार्म पे गए, काफ़ी गपशप थी वहाँ पे, जो बातें वगैरह होती है ना, हम तो वैसे जाते वीडियो बनाने के लिए अक्सर बातें नहीं कर पाते, गपशप नहीं कर पाते, तो कल जो है माशाल्लाह से बड़ी गपशप करी वहाँ पर, टाइम स्पेंड किया, शौक भी करा अपना भाई। हमारी मैंने माशाल्लाह सारा कलेक्शन दिखाया, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आएगी लास्ट ऑफ एक्सपो चैनल पे। बस वहाँ से जो है वापसी पे फिर रात का खाना खाया, लेट हो गया था मैं, तकरीबन कितने बजे आया हूँ जब मैंने रात की वीडियो शेयर की थी, जब मैं ऊपर आया था चूज़ा क्रैक हुआ था, आई थिंक 8:30-9:30 हो गए थे। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं दोपहर को नहीं सोता ना तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, बस मैं उसके बाद एडिटिंग पे बैठा हूँ और मैंने एडिटिंग शुरू की है, तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा हुआ, मुझे इतनी शदीद नींद आई है ना, मुझसे बैठा नहीं आ रहा था, तो फिर मैं आया नीचे, फिर मैं जो है सो गया, मैं 9:30 बजे लेटा और तकरीबन 10 बजे तक मैं सोया हूँ, तो थोड़ा सा ये कि एक जो रुनौती का एहसास है ना वो कम हो गया था। फिर मैं दोबारा ऊपर आया, फिर एडिटिंग पे बैठा और वीडियो भी कल की माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई थी, आई थिंक 26+ मिनट ली थी, तो इस वजह से जो है उसको एडिटिंग में भी टाइम लगा। तो फिर आप दोस्तों के मैसेजेस भी आने शुरू हो गए थे, तो बस वो आखिर में जो है ना रात के टाइम जो है ना एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता, तो ये वजह थी जिस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया। मैं चाह रहा हूँ चीज़ों को एक टाइमली लेके चलूं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब करने ज़रूरी होते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है। अब मेरा प्लान ये है कि मैं दोपहर में लाजमी सोऊं ताकि एडिटिंग के वक्त जो रात में ना मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों दोस्तों को बता दूँ, आप दोस्त जो है काफ़ी इस बारे में कह रहे थे कि भाई आज सुबह ऑफिस जाना होता है, वीडियो जल्दी पोस्ट किया, ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप वीडियो का वेट कर रहे होते हैं, तो चले भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 9 से 10 के दरमियान जो मैं वीडियो को पोस्ट कर दूँ। अच्छा भाई अभी सुबह आए मैं भाई गैलरी में और मुर्गियों को मैंने पहले ही खोल दिया था ताकि फीड खा लें, और अभी जो है इन्होंने फीड खा ली है क्या, हाँ अभी फीड कुछ मौजूद है इसमें, अभी बाहर नहीं आना है। और रोमन ब्लैक को देख लेते भाई किधर है, ये रही। अच्छा भाई अंडा चेक कर लेते आज का आया कि, ओहो माशाल्लाह सुबह ही सुबह 3 अंडे आ गए, क्या बात है भाई। ये तो मुझे रोमन ब्लैक का लग रहा है, लाइट कलर का है, नहीं अभी बाहर नहीं आना है, शाबाश, थोड़ी देर बाद अभी मैं अंडे रहने देता हूँ, एक साथ ही उठा लूँगा बाद में, तो अभी थोड़ी देर बाद इनको खोलूँगा, आज भी सिरके का पानी देना भाई, अपने चूजे का अपडेट दे देते। कल भाई माशाल्लाह माशाल्लाह एक और फैंसी चूजा आया है, जो अंडा क्रैक हो रहा था ना फिर वो रात में जो है वो चूजा उसमें से निकल आया था, उसका क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड किया, वो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ मैं। अच्छा भाई दोस्तों इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं और भाई फाइनली माशाल्लाह से एक और जो है वो फैंसी चूजा जो है वो हैच हो गया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल रिसेंटली ये हैच हुआ है और बिल्कुल गीला हो रहा है, अभी ये रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, अभी चल के दिखा दे मैं हमारे चूजों की क्या कंडीशन है। अच्छा भाई पहले जो ब्रूडर में चूजा है उनको चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये बैठे हुए भाई, एक तो जनाब नींद पूरी कर रहे हैं अपनी, बाकी दो जो है वो माशाल्लाह से वहाँ घूम रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं इनको, हाँ भाई कैसे हो, माशाल्लाह भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है। और अब भाई चेक कर लेते हैं जो हमारे हैचर में चूजे मौजूद हैं उनको देख लेते हैं ज़रा, और कल जो एक बेबी आया है एक और बेबी चिक वो ये है भाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें
माशाल्लाह भी माशाल्लाह। आई डोंट नो ये कौन से उसके ब्रीड के हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में कांडी लाजमी बताइएगा, क्योंकि इतने छोटे चूज़ों का मुझे आइडिया नहीं है कौन से हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि इसके पे जो चावल का छिलका है ना वो भी मुझे चेंज करना है, तो अभी इसमें कितने फैंसी के 3 अंडे मौजूद हैं और एक जो है वो लोमन ब्राउन का है। फैंसी के 3 अंडों में अभी तक मैं देख रहा हूँ कोई क्रैक नहीं आया, और मेरा तो लोमन ब्राउन मुर्गी का अंडा है वो भी इसमें भी कोई क्रैक नहीं है। अच्छा अभी जो है मुझे ये जो ब्लैक वाले हैं इनको शिफ्ट करना है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ ये अभी जो गोल्डन वाला आया इसको भी शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि माशाल्लाह चल फिर रहा है ये, तो पहले ब्लैक वालों को शिफ्ट करते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह। ओए होए होए माशाल्लाह, इतना सॉफ्ट है रुई की गोली की तरह। पर आपको चूज़ा दिखाते हैं ज़रा तफसील से, ये देखें भाई पैरों पे कैसे इसके बाल है, ये देखें भाई ओहो माशाल्लाह बहुत ब्यूटी है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं जल्दी से इधर आ जाओ, आ जाओ भाई अपने नए घर में, बिस्मिल्लाह। चलो 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 चलो, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे अरे बड़ा एक्टिव है भाई माशाल्लाह। ये ले ले ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई इनको भी जल्दी फटाफट शिफ्ट कर देते, आओ चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ब्यूटी है भाई, क्या बात है। आ जाओ भाई आ जाओ, अभी आ जाओ अपने नए घर में। अरे वो आ गया उसके बाद, वो उसके पैरों पे क्या कर रहे हो, अरे उसको पैरों में बाल नजर आ रहे हैं, उसको जो है वो चोंच मार रहा है। अच्छा भाई आप भी आ जाओ अकेले हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई माशाल्लाह। अरे भाई इसको माशाल्लाह चूहे का साइज अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और हाथ में पकड़ने से पता चल रहा है माशाल्लाह ये उनसे ज़्यादा हेल्दी है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ब्यूटी है भाई, पूरा गोल्डन है ये तो। आप दोस्तों को अगर ये इसका पता हो फैंसी चूज़ों का कि कौन सी ब्रीड है ये, तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा ये भी ज़्यादा जो है वो मुझे चलता फिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं वापस ही रख देता हूँ, क्योंकि इसका टेम्परेचर होता है कम ब्रूडर का, तो मैं इसको वापस ही जो है वो यहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेंटेन टेम्परेचर में रहेंगे। चलो अभी आप इधर ही आ जाओ। अच्छा छिलका मैं इसका निकाल लूँ, ये कल ये जो गोल्डन वाला चूज़ा निकला था उससे निकला था। अच्छा भाई अभी एक सीन इसमें ये हुआ है कि ये जो है ना बल्ब की हीट से ये पिघल गया था प्लास्टिक का, मैंने शॉपकीपर को बोला भी था कि भाई ये बल्ब जो है वो उसको पिघला देगा, बट उन्होंने कहा था कि नहीं ये इसको कर लेगा मैनेज। अब आप देखें आपके सामने ये हुआ है, तो मैंने इसमें से बल्ब निकाल दिया था, तो चूल्हे तो खैर बल्ब के नीचे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ इनको, बट टेम्परेचर जो है इसका मेंटेन नहीं हो रहा, ये 35 पे नहीं आ रहा। तो अब या तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने बड़े ब्रूडर में दो बल्ब जलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी, क्योंकि चूज़े भी हैं कम, मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से जो है वो इधर से पार्टीशन कर दूँ, और इसका सेंसर थोड़ा सा मैं आगे करके लगा के जो है एक ही बल्ब पे फ़िलहाल इनका गुजारा करूँ, ताकि जब चूज़े बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर ये दूसरा बल्ब भी जला लेंगे, और पानी को भी मैं यहाँ से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ। तो ये भी मुझे काम करना है, बाकी इतनी बड़ी स्पेस अभी देने का इनको कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके अलावा बिला वजह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की भी कंजम्पशन हो रही है, और दूसरा इशू ये कि हमारी मोस्टली लाइट गई भी होती है, बहुत कम लाइट रहती है, जिसकी वजह से सारा लोड जो है वो UPS पे आ रहा होता है, और सोलर जो है वो तो बस 4 बजे की अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद तो फिर बैटरी बैकअप पे भी सारा चल रहा होता है। अब दो बल्ब ये हो गए 100 वाट के, तो 200 वाट ये हो गया, फिर ये 100 वाट 300 वाट फिर अंदर 100 वाट 400 वाट जो है फिर कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जो कि बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि तो नीचे भी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इस पर बैटरी पे चल रही होती है, तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अब, और इसको देखना पड़ेगा। और अभी जो है वो मैं ज़्यादा चीज़ों की एक्टिविटी दिखा दूँ नए हमारे फैंसी वाले जो है, ये देखें भाई माशाल्लाह भी माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है, और फीड इनकी पड़ी है। अच्छा फीड जो है ना मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे कि बाजू इनको पीस के डालें आप, और जो बारीक वाली है वो तो उन्होंने खा ली, बट मोटे मोटे दाने ही बाकी रह गए, तो अब जो है मैं थोड़ा सा कूट के इनको फीड दूंगा। ये देखें भाई ये भी खा रहा है माशाल्लाह, फैंसी चूज़ा भी फीड खा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अभी ये कि पानी वगैरह का सिस्टम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पानी इनका चेंज करना है अभी मुझे, बल्कि इसको निकाल ही लेता हूँ पानी को मैं, और इसको जो है वो भी मैं कर देता हूँ बंद, और ये तो खैर बल्ब के नीचे ही है माशाल्लाह सेफ है। और ये भाई हमारे नए फैंसी चूज़ों का लुक खिड़की से, खिड़की से देखने की जो है ना बात ही कुछ और है माशाल्लाह, खिड़की से बड़ा प्यारा लुक आता है, ये देखें भाई ऊपर बल्ब है चूज़े घूम रहे हैं, और माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा भाई अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस जस्ट आके नाश्ता करता हूँ, फिर अपना काम भी करके फिर इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा दोस्तों अब मुर्गियों को खोलने का टाइम आ गया है, और मैंने इनका सिरके का पानी बना दिया, दूसरा दिन है। अच्छा ये पानी मैंने बजीज़ को भी ऑफ़र कर दिया है, और बजीज़ जो माशाल्लाह से बिल्कुल ही हेल्दी एंड एक्टिव एंड ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। अच्छा बटेरों को भी मैंने बाजरा रख दिया है,
और पानी भी इनको ऑफर कर दिया है। मुर्गियों को खोल लेते हैं भाई, बेचैन हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक तो उड़ती भी आती है। तो भाई ये है हमारी मुर्गियों की पोजीशन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई पानी थोड़ा सा मैंने अलग भी रख दिया ताकि ये लोमन ब्लैक्स भी यहाँ से पी ले। दूसरी कहाँ है लोमन ब्लैक, एक ही नज़र आ रही है। भाई तुम भी आ जाओ, कहाँ डरी छुपी भी बैठी हो, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। अच्छा अब मैंने देखा है इसको, तो खैर मैं नोटिस कर रहा हूँ उसको नहीं मार रही है अभी रोमन ब्राउन वाली, माशाल्लाह। देखें भाई लोमन ब्लैक भी आगे पी रही है इनके साथ ही, इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगी, बल्कि काफ़ी हद तक माशाल्लाह से एडजस्ट हो भी गई है। हाँ नहीं मारा अभी, पिटाई कर दी। लो भाई बोल ही रहा था उन्होंने पिटाई कर दी इसकी। भाई जल्दी दोस्ती कर लो अब, ये ज़्यादा दिन नहीं करो ये लड़ाई झगड़ा। अच्छा भाई फीड है इसमें, हाँ भाई फीड तो भी है बट थोड़ी है, फीड ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम मुझे और भी करना है, वो ये कि भाई इस पोर्शन को जो है ना मैं चाह रहा हूँ सेपरेट कर दूँ, मुर्गियाँ जो है वहीं पर ही रहें, यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये सब जगह जो है ना अब ये गंदगी हो जाती है। जनरेटर पर भी इन्होंने बीटे कर दी है, तो देखता हूँ कि ज़रा इसका आइडिया लड़ाते, या तो कोई प्लास्टिक की शीट वगैरह बांध देता हूँ, या तो कोई इसका लकड़ी का कुछ बनाता हूँ इसका मैं, ऐसा पार्टीशन टाइप का। तो ये करना है काम, और अभी जो है वो चूज़ों का जो शेड है उस पर मुझे थोड़ा सा वर्क करना है। जो बल्ब लगाया था उसको या तो मैं फॉइल लगाता हूँ उसके अराउंड, या फिर उसको मैं चेंज करता हूँ। ऐसे ही मार्केट जा रहा हूँ ग्रॉसरी करनी है कुछ, वहाँ से फिर हुआ तो मैं जाके उसका शेड भी ले लूँगा, शेड मिल गया तो, वरना देखते हैं उसको क्या सोल्यूशन निकालना है। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे बंद होता है मुर्गियों का, ये जो है वो काफ़ी दोबारा से गंदा हो गया था, तो उसकी मैं दोबारा सफाई करवा रहा हूँ। और ये मुझे लग रहा है ये एक हफ्ता या 10 दिन ही चलेगा यहाँ पे चावल का छिलका, क्योंकि 8 माशाल्लाह बल्कि 9 माशाल्लाह से मुर्गियाँ हैं, और जब वो यहाँ पे बैठती है ना तो भाई वो पूरी रात भर जो है वो काफ़ी यहाँ पे गंदगी हो जाती है। तो मैक्सिमम जो है वो एक हफ्ता ही चलना है यहाँ पे चावल का छिलका, तो अभी सफाई हो रही है आगे, और फिर यहाँ पे जो है फ्रेश जो है वो चावल का छिलका ऐड करना है। बाकी मुर्गियाँ कहाँ पहुँच गई भाई, ये चावल का छिलका है तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा तो फूल यहाँ पे गायब हो रहे हैं, मुर्गियों के जो है वो पेट में जा रहे हैं, खा ये खा भी लिया। लो भाई मुर्गी ने फूल जो है वो खा भी लिया। अच्छा ये कुछ नए फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे मजीद कलियाँ निकल गई हैं, और पुराने कुछ फूल जो है वो यहाँ पे ये तकरीबन मुरझा गया, बल्कि टूटा हुआ यही। मुर्गियों को ऑफर कर देते हैं ये लो, फूल भी बड़े शौक से खा रही है भाई, खा गई। बाकी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सिरके का पानी इंजॉय कर रही है अभी तक, तो मेरे ख्याल से इस मुर्गी ने जो अंडा देना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा इसकी भी एक पहचान है, ये कैसे पता चलता है कि मुर्गी अंडा देना शुरू कर दिया है नहीं, तो भी इंशाल्लाह आज अगर याद रहा तो आज इंशाल्लाह शेयर करूँगा, वरना किसी दिन वो भी इंशाल्लाह शेयर करना है कि कैसे पता चलता है कि मुर्गी अंडा दे रही है या नहीं। चलो भाई ये देखें भाई सफाई हो गई है इसकी, चावल का छिलका भी इसमें डाल देते हैं। तो ये वो चावल का छिलका है जो कल ब्रूडर से निकाला था चूजों का, तो इस्तेमाल तो हुआ नहीं था वो, तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा भाई जो बाजरा डाला था वो तो ख़त्म कर लिया था इन्होंने, और ऐड कर लेता हूँ फीड। आप लोग भी खाओगे? चलो भाई ये देखें भाई ज़बरदस्त बैडिंग जो है उनकी तैयार हो गई है चावल के छिलके की। अच्छा भाई चूज़ों के लिए फ्रेश नीम गर्म पानी ले लिया मैंने, इसको लगा देते हैं अंदर, देखते हैं भाई। काफ़ी देर बाद पानी इनको ऑफर कर रहा हूँ कि ये पानी की तरफ आते हैं या नहीं। ये हाइट सही है, हाँ चलो भाई जाओ पानी की तरफ जाओ, आओ अब आई डोंट नो कि अभी इनको प्यास लगी है कि नहीं। आया, एक चूजा तो आया, हाँ पी लिया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी पी लिया माशाल्लाह। तो भाई अभी तक मैंने इनको पानी पीते हुए नहीं देखा था, माशाल्लाह से एक चूजे ने पानी पी लिया है, और एक चूजे ये देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, एक चूजे के पानी पीने की देर होती है तो भाई माशाल्लाह सब जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अरे माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह चूजों ने पानी पीना भी शुरू कर दिया, और इसको देख के दूसरा आया, क्या बात है भाई माशाल्लाह बहुत एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यही वाला पी रहा है ये छोटू, गोल्डन वाले छोटू, अरे माशाल्लाह अब इसने शुरू कर दिया ना, इंशाल्लाह इसको देख के सब पीना शुरू कर देंगे। अच्छा भाई दोस्तों अब बात कर लेते हैं 70 ग्राम्स वाले अंडे की। कल मैंने आप दोस्तों से पूछा था कि इसको इनक्यूबेटर में रखना चाहिए या इसको फ्राई करके खा लो, तो मोस्टली बल्कि मैक्सिमम
सभी ने जो है वो ये कहा है बाद में आप इसको जो है वो इंक्यूबेटर में रखें। तो भाई ये है वो अंडा और अब फाइनली डिसाइड ये किया है कि उसको इंक्यूबेटर में रख रहे हैं और जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी एक दफ़ा फिर मैं इसका वेट कर लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है रखे रखे इसका वेट बढ़ गया हो, कम भी हो सकता है वैसे देख लेते हैं इसका वेट। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है या बड़ा हो या कम हुआ हो, ऐसी वैसे जस्ट जो कि इसको दोबारा वेट कर लेते हैं। सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन हो गया, ये तो कम हो गया मुझे लग रहा है, ये 70 ग्राम्स का हो गया, यानी 1 ग्राम कम हो गया। इसको दोबारा करके देखूँ, थोड़ा साफ करा है, मिट्टी विट्टी पड़ी हुई थी। हाँ 70 ग्राम है भाई, 1 ग्राम जो है वो कम हो गया ये। अब आई डोंट नो ये 1 ग्राम कैसे रखे रखे कम हो गया। बहरहाल इसको जो है वो अब 70 ग्राम का ही अंडा है, इसको रख रहे हैं हम इंक्यूबेटर में और उसमें मैं ये सब चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। चलो 28 सारी डेट आ गई, 70 ग्राम्स वेट आ गया, अब इसको प्लेस कर देते हैं इंक्यूबेटर में। यहाँ पर रख देते हैं, ये जगह खाली है, आ जाओ भाई। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा अंडा है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ ये चेक करनी है कि कहीं रोटेशन पर गिरे ना, तो मैं ज़रा इसकी रोटेशन, वैसे तो रोटेशन अभी टाइमर पे सेट है बट मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, इसकी रोटेशन चेक कर लेते हैं। गिरे ना भाई अंडा, भाई ये साइड पे तो नहीं गिरा है, इस साइड पे देख लेते हैं। नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह ओके भाई, अंडा गिर नहीं रहा, सही है भाई सही है। अच्छा भाई एक मज़ीद अंडा मैंने अभी शिफ्ट किया है इंक्यूबेटर से हैचर में 8 तारीख वाला, और वो ये वाला अंडा है। अच्छा मुझे ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आज भी आप इसमें हैचर में से भी जो है वो चावल के छिलके को हटा लें, तो वो भी बेसिकली मुझे करना है अभी। अभी ये ज़रा चूज़ा थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, मतलब ये रिकवर कर रहा है, ये जब थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाएगा ना इंशाल्लाह फिर इसको मैं ब्रूडर में शिफ्ट करूँगा और फिर इसका जो है वो सारे चावल के छिलके निकाल के इस पर भी जो है वो इंशाल्लाह कागज़ बिछाएंगे, तो ये काम अभी इसका पेंडिंग में इंशाल्लाह करना ही है। और बाकी चूज़े की हमारी रिपोर्ट क्या है ज़रा इसको क्लियर दिखा दूँ मैं, सही है माशाल्लाह, मगर ये पूरा भी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ ये। अच्छा मज़ीद इसमें अभी 3 फैंसी मुर्गियों के अंडे मौजूद हैं बट इसमें कोई साइन अभी तक नहीं आया है क्रैक का, और इनको जो है आई थिंक आज 23 डेज हो गए होंगे। अब इनको क्या करना चाहिए कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा, क्या इनको अभी मैं मज़ीद छोड़ दूँ कुछ दिन के लिए, या आपका क्या एक्सपीरियंस है अगर आपने इस तरीके से फैंसी मुर्गियों के चूज़े हैच करवाए तो मैक्सिमम कितने दिन तक जो है वो चूज़े निकल सकते हैं काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसका शेल ब्रेक करूँ और अंदर से कोई जैसे वो अलाइव हो और फिर उसके बाद वो जो है वो डेड हो जाए, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं आपके एक्सपीरियंसिस की बेस पर बेसिकली इसको करना चाह रहा हूँ। और अगर आप और अगर ऐसा होता है कि भाई 21 दिन के बाद पॉसिबल ही नहीं है, 22 दिन के बाद पॉसिबल ही नहीं कि हैच हो, तो फिर तो फिर अंडों को जो है वो तोड़ के देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। तो काइंडली कमेंट्स में इसके बारे हवाले से जिनको मालूम हो काइंडली इसको गाइड ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उस हिसाब से करेंगे। बाकी माशाल्लाह से ऑल ओके चल रहा है, तो अभी मुझे ज़रा ग्रॉसरी के लिए जाना है, ज़रा वो करके आता हूँ, फिर इसका जो थोड़ा बहुत ब्रूडर का काम करना है फिर इंशाल्लाह फिर वो काम करूँगा। अच्छा भाई दोस्तों थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग करी है वही पौधों की, और आयर आपको कौन सा पसंद आ रहा है इसमें से बताएं कलर। अच्छा भाई मेरे पास जो गेंदे के पौधे थे ना वो सारे जल गए थे, और मैंने से जो पूछा था गमले वाले से तो पौधे वाले से वो ये कह रहा है कि ये सीजनल होते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो बट ये इनका लुक बड़ा अच्छा होता है खूबसूरत लगता है, तो मैंने दोबारा ले लिए ये इन्होंने 60-60 रुपये के हिसाब से दिए हैं तीनों गमले, 180 के 3 ये हैं, एक जो है वो ये मैंने पुदीने का लिया है, मैंने कहा ज़रा पुदीने भी ट्राई करते हैं कितना ग्रो करता है इस पर, ज़रा इसकी टेस्टिंग करेंगे। अभी माशाल्लाह से काफ़ी पुदीना इस पर लगा हुआ है, ये जो है इन्होंने दिया मुझे 120 रुपये का, और एक और मैंने फैंसी लिया है ये वाला एंट्रेंस के लिए, तो ये जो है मुझे इन्होंने दिया है 300 रुपये का, डिस्काउंट अच्छा कर दिया था इन्होंने, काफ़ी बड़ा पौधा है ये। आर आप हैप्पी हैं? आर हैप्पी। और अहमद, अहमद आप हैप्पी हैं? अहमद का कोई इंटरेस्ट? हाँ अहमद का कोई इंटरेस्ट नज़र आया मुझे, वैसे इंटरेस्ट रहते नहीं किसी चीज़ में ये, मगर कुछ इन्होंने शो किया है। अच्छा भाई इसके ब्रूडर के लिए जो होल्डर था ना ये मैंने अब चेंज करना है, और ये मैं अभी लेके आया हूँ मार्केट से, मैं लियाकताबाद गया था स्पेशल इसके लिए, तो अब ये वाला मुझे मिला है, ये जो है इंशाल्लाह प्रॉपर काम करेगा, बस थोड़ा सा हाइट का मसला ना हो, अगर मैं इसको इस लेवल पे भी लगाता हूँ ठीक है इनफ है, हैंगिंग के लिए काफ़ी है गुंजाइश है। और इसके साथ जो है वो अलग से होल्डर मिला है, ये इसके साथ होल्डर जो है वो लगाना है, होल्डर 100 रुपये का मिला है, ये जो है वो 200 रुपये का मिला है, बाकी कुछ तार वगैरह एक्स्ट्रा मैंने ले लिए हैं। तो अच्छा अभी पहले मैं इनको फीड जो है वो क्रश करके ऑफ़र करता हूँ,
और फिर ये बाद में इंस्टॉलेशन में कर लूँगा। फीड जो है उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है और बिल्कुल मोटे मोटे दाने पड़े हैं, तो ज़रा इसको फीड को जो है क्रश करके मैं ऑफर करता हूँ। पहले अच्छा मैं फीड को जो है मैंने काफ़ी बारीक कर लिया, इनको ऑफर करते हैं। आओ आओ आ जाओ आओ, खा रहे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फैंसी वाले भी खा रहे हैं माशाल्लाह। खिड़की से ज़रा चेक करें, ये तो बात सही है कि भाई एक के खाने की देर है, माशाल्लाह सब उसको देख के खाते हैं। फिर तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ही जो है वो फीट खा रहे हैं। अच्छा भाई जगह जगह इन्होंने पॉटी करने भी शुरू कर दी है, इट मीन्स कि ये प्रॉपर जो है वो माशाल्लाह से फीट ले रहे हैं। क्या बात है भाई माशाल्लाह, शौक से खा रहे हैं। खा पी के माशाल्लाह से आप देखें भाई चूजा कैसे सो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अरे माशाल्लाह इतनी कच्ची नहीं, फौरन उठ गया, उठ के खाने भी लगा माशाल्लाह। अच्छा ज़्यादा बारीक होने की वजह से भी जो है वो अब इन्होंने छोड़ दिए, पाउडर पाउडर फॉर्म में जो हो गए ना पीसने के बाद वो तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे। ऊपर के जो मोटे मोटे दाने थे ना वो फिर भी इन्होंने खा लिए, माशाल्लाह से पानी पी रहे हैं वहाँ पे। अच्छा भाई अभी तक के टोटल अंडे चेक करने थे कितने आए, क्योंकि सुबह 3 अंडे आए हुए थे मैंने उठाए नहीं थे, अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। हाँ भाई माशाल्लाह 4 अंडे आए हुए, सारे जो है माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई अब इन अंडों को जो है ना मैं इनक्यूबेटर में नहीं रखूँगा, उसकी वजह ये है कि कुछ मुझे जगह खाली रखनी है। अभी मेरे खाते 4 से 5 अंडों की जगह है इनक्यूबेटर में, और इंशाल्लाह 2 दिन में 2 अंडों की और जगह हो जाएगी, तो 6 से 7 अंडों की जगह होगी। तो बेसिकली अब मैं प्लान करूँ और फैंसी वरियों के अंडे लेके आऊँ और वो इंशाल्लाह उसमें रखेंगे, तो मिक्सअप रखेंगे इंशाल्लाह, लोमन के भी रखेंगे अंडे और फैंसी मुर्गियों के भी रखेंगे। अच्छा भाई मुर्गियों के लिए जो है वो रोटी लेके आया हूँ, रोटी ऑफर करनी है क्योंकि आज कोई ऑर्गेनिक डाइट थी नहीं, तो आज मैं दोपहर को तंदूरी रोटी लाया खाने में, तो एक रोटी एक्स्ट्रा लेके आ गया उनके लिए, तो ये ज़रा ऑफर करते हैं। इस रोटी को मैंने भिगो दिया था, नरम हो गई है, और इनको ऑफर करते हैं। पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे आ जाओ। अरे भाई माशाल्लाह, अरे भाई माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह शौक से खा रही है रोटियाँ। अभी लोन ब्लैक्स आपकी क्या हाल है, तुम भी खा लो कुछ। मुर्गा जो है खुद कम खाता है, मुर्गियों को खिलाने पे ज़्यादा तवज्जो है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 2 मिनट में इन्होंने माशाल्लाह पूरी रोटी ख़त्म कर दी, अभी फीड भी ऐड कर दी है, फीड भी खा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों अभी मैं कैंडलिंग कर रहा हूँ, ये अंडा जो है वो 7 तारीख का है और आज जो है उसको 21 दिन पूरे हो गए, तो मुझे ये चेक करना है कि वैसे आज कल में इसको हैच हो जाना चाहिए। अभी मैं इसको ये देखना चाह रहा हूँ कि 21 दिन का जो अंडा होता है तैयार वो कैसे दिखता है, क्योंकि 18 दिन तक की तो मैंने कैंडलिंग करी हुई है, तो आज जो है वो 21 डेज की कैंडलिंग कर रहा हूँ अंडे की, कि भाई किस तरीके से दिखता है। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने कैंडलर को ऑन कर दिया है, लाइट ज़रा मैं ऑफ कर दूँ। अच्छा भाई ये अंडे की जो नोकीली साइड है ना इसको पहले मैं रखता हूँ, और यहाँ पे तो मुझे कोई व्यू नहीं आ रहा, सब डार्क है। अब थोड़ी इसकी जो राउंड साइड है इसको रख के देखते हैं, और अब ये देखें थोड़ा सा आपको जलता हुआ नज़र आ रहा होगा बल्ब पीछे का पोर्शन, ये देखें भाई ये जो है पूरा कवर है अंडा, सिर्फ यहाँ से जो है वो नीचे से लाइट अप हो रहा है, और ये देखें भाई माशाल्लाह मूवमेंट भी है इसमें। मैं ज़रा कैमरे को स्टिल करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें भाई माशाल्लाह मूवमेंट भी है, तो एम्ब्रियो अंदर अलाइव है और मूव कर रहा है, और पूरा अंडा जो है माशाल्लाह से कवर है, बस थोड़ा सा जो ब्रीथिंग की जगह होती है ना यहाँ पे बेसिकली एयर पैसेजेस होते हैं ये वाली साइड पर, तो ये ब्रीथिंग के लिए जगह खाली रहती है, और यहीं से जो है आप ये देख सकते हैं अंडा जो है हमें ये देखें नज़र आ रहा है ऊपर तक भरा हुआ, यहाँ से बस नीचे से खाली है, लाइट अप हो रहा है और माशाल्लाह से एम्ब्रियो अंदर मूव भी कर रहा है।
ये देखें, मुझे तो ये देखें नज़र आ रहा है इसका एम्ब्रियो मूव करता हुआ, ये देखें माशाल्लाह क्लियरली एम्ब्रियो मूव हो रहा है। अच्छा इसी तरीके से ये जो है वो 8 तारीख का अंडा है, वो 7 का था, ये 8 तारीख का अंडा है। इसको अभी 20 दिन हो गए आज, तो पहले इसको पॉइंट वाली साइड से जो है वो चेक करते हैं। और ये देखें अभी पूरा अंडा जो है वो डार्क नज़र आ रहा है, कहीं से भी पॉइंट आउट नहीं हुआ होगा। अब थोड़ी सी ये राउंड साइड से इसको चेक करते तो ये देखें भाई यहाँ से लाइट अप हुआ नज़र आ रहा है, बाकी पूरा जो है वो अंडा कवर है ये। और ये देखें भाई ये वाली साइड से भी इसकी नज़र आ रही है लाइट अप हो रही है। अब मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ इसकी मूवमेंट एम्ब्रियो की, ये देखें भाई हल्की हल्की मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है इसमें, ये देखें इसमें माशाल्लाह से एम्ब्रियो की मूवमेंट हो रही है। तो इसको भी मैं वापस रख देता हूँ। अच्छा कमरे में जो है ना हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है क्योंकि आज दोपहर का टाइम है अभी, तो कम्प्लीटली डार्क नहीं है बट फिर भी जो है वो कैंडिंग से जो है वो काफ़ी चीज़ें विजिबल हो गई हैं इसमें भी। तो भाई दोस्तों 21 डेज और 20 डेज की भी कैंडिंग हमने कर ली और ये चीज़ काफ़ी हद तक विजिबल हो गई है कि भाई 21 डेज में अंडा किस तरीके से अंदर होता है और 20 डेज में किस तरीके से होता है, ऑलमोस्ट सेम ही था। बट तकरीबन जो है ना अंडा जो है वो 90% कवर था, सिर्फ उसमें जो एयर का पैसेज वाली जगह है ना सिर्फ वही इसमें खाली थी और बाकी इसमें जो है वो मूवमेंट भी एम्ब्रियो की हो रही थी माशाल्लाह से। तो भाई ये भी दोस्तों एक एक्सपीरियंस था जो हमने आज जो है वो वीडियो में देख लिया माशाल्लाह से। अंडा चेक कर रहे थे फाइनली भाई शाम तक कितने अंडे आए, एक और भाई आ गया अंडा माशाल्लाह से, और ये भी मुझे लोमन ब्लैक का ही लग रहा है, थोड़ा लाइट स्टाइल में अंडा है ये। तो आज जो है भाई 200 टोटली 5 अंडे आए और माशाल्लाह से यही एवरेज चल रही है 4 से 5 अंडों की, तो मैक्सिमम जो है 5 अंडे ही डेली आ रहे होते हैं। तो कल मेरे खास से 4 आए थे आई थिंक, ये चल रहा है भाई सेम 8 मुर्गियों में 5 अंडे आ रहे हैं, 3 मुर्गियाँ जो तो या तो अंडे नहीं दे रही या तो ऑल्टरनेट दे रही हैं। तो ऐसे कुछ सीन मुझे ऑल्टरनेट का ही लग रहा है, एक का तो मुझे आइडिया है कि एक मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, यानी कि 7 मुर्गियों में से जो है ना 5 मुर्गी अंडे दे रही हैं और उसमें हो सकता है कुछ रेगुलर है कुछ ऑल्टरनेट। तो भाई ये सीन चल रहा है अंडों का। आज की भाई वीट ग्रास की अपडेट भी आपको दे दें, काफ़ी टॉल हो गई है बट घनी नहीं है भाई, इसमें घनापन नहीं है और एक ही तरफ से बस जो है वो यहाँ से ही थोड़ी सी घनी है, बाकी यहाँ से सारी ग्रास बैठी हुई है। तो बस थोड़ी सी और बड़ी हुई है फिर उनको मैं ऑफर कर दूँगा मुर्गियों को, और फिर इंशाल्लाह नए सिरे से जाऊँ मैं ये बनाऊँगा और इंशाल्लाह चारों ट्रे में जाऊँ मैं इसको बनाऊँगा। अच्छा भाई इसको मैंने अपडेट कर लिया अपने ब्रूडर को, आ रहा चेंजेस करिए मैंने इसमें, आप बताएं क्या चेंजिंग करी है, बताइए क्या चेंजिंग करी है। लाइट चेंज कर दी बाबा ने। अच्छा अच्छा भाई पहले जो है मैं लाइट को आपको अंदर से दिखा दूँ, ये जो है वो लाइट का शेड आ रहा है, ये देख सकते हैं अभी लाइट का शेड आ रहा है, हाइट जो है सही है इसकी प्रॉपर हाइट है, अच्छी खासी चूजे से ऊपर है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है, माशाल्लाह से प्रॉपर हाइट है इसकी। और अब दोनों आपको दिखा देता हूँ मैं, अब ये जो है वो मेटल वाले शेड जो है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया, वो हीटिंग का इंशाल्लाह शो नहीं होगा इसमें, और इसमें भी वही सिमिलर एडजस्टमेंट वाला मैंने सेटअप दे दिया है, जितना भी इसको ऊपर नीचे करना हो दोनों में जो है ये प्रोविज़न मौजूद है। अच्छा भाई चूज़े क्या कर रहे हैं, पानी है इनका, हाँ पानी मौजूद है, पानी पी रहे हैं। तो भाई चलें इसको अभी कर देते हैं बंद ताकि इसमें गर्माइश हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है। बाकी भाई ब्रूडर में अभी काफ़ी काम मेरे हिसाब से मेकअप का बाकी है, जिसमें एक दरवाज़ा मुझे सामने निकालना है। अच्छा ये ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना मुझे, ये कुछ दोस्त कह रहे कि आपने खिड़कियाँ बहुत नीचे बनाई हैं, एक्चुअली मैंने स्टैंड के हिसाब से बनाया है इसको, मैं स्टैंड में रखूँगा फिर ये इसकी विजिबिलिटी इन खिड़कियों से इंशाल्लाह प्रॉपर होगी, और फिर उसके इस पर पेंट जॉब वगैरह होगी, थोड़ा सा फैंसी इसको जो है वो लुक दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो आज भी मुझे जो है टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा डे बाय डे इस पर काम करते रहेंगे। अच्छा भाई दोस्तों तीसरा जो माशाल्लाह से फैंसी चूज़ा आया उसको भी ऑलमोस्ट 22 आवर्स हो गए, तो अभी मैं इसको ब्रूडर में जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं भी क्या है। हाँ भाई कहाँ बैठे हुए हो आप, देखें ज़रा इसको जगा के, निकाल ही लेते हैं। आ जाओ भाई। अच्छा भाई ये है हमारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फैंसी चूज़ा, इसको मैं अंदर छोड़ देता हूँ जल्दी से। ये देखिए अहमद नया चूज़ा जो है ब्रूडर में आ रहा है, चल भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह आ जाओ अपने नए घर में। ये आ गया भाई माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है भाई ये वाला फैंसी चूज़ा, कहाँ चले गए भाई, ये रहे माशाल्लाह भाई कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, देखें पैरों पे कैसे बाल है इसके बड़े बड़े और पूरा गोल्डन है, ये देखें भाई माशाल्लाह। तो भाई आपको दिखाया सारे फैंसी चूज़े भाई माशाल्लाह अपने नए घर में आ गए हैं ब्रूडर में, ये वाला है जो अभी बेसिकली आया है, माशाल्लाह साइज़ भी अच्छा है इसका, मैं देख रहा हूँ हाइट माशाल्लाह काफ़ी है चूज़े की,
क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी क्या कर रहे हैं अभी? पानी पी रहे हैं ये आया पानी पिया। तो पुराने चूज़ों को तो खैर आदत हो गई है पानी की। पानी है इनका थोड़ा सा रह गया बस। हाँ थोड़ा सा ही है। चलो इसको कर देते हैं बंद और थोड़ा सा खिड़की से भी इनका व्यू ले लेते हैं। खिड़की से ये आ गया भाई इनका व्यू। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आई ना, टोटल कितने हो गए माशाल्लाह से? माशाल्लाह भाई 6 चूजे हो गए। और बाकी यहाँ देख लेते हैं भाई क्या अपडेट है, कोई शेल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शेल ब्रेक हो रहा है भाई। दिखा, दिखा। ये देखें भाई, ये हमारी लोमन ब्राउन मुर्गी का जो है वो शेल ब्रेक होना शुरू हो गया है। इसको रख देते हैं वापस। और फैंसी पे तो अभी मुझे किसी का शेल ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो भाई दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रात में ये भी जो है वो अंडा हैच हो जाएगा और नया जो हमारे पास इंशाल्लाह एक मेहमान आएगा, तो इसकी अपडेट इंशाल्लाह कल आपको देंगे। तो भाई दोस्तों, ये आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।